उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर पैंथर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 8 लोगों पर यह पैंथर हमला कर चुका है, जिसमें 7 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि वन विभाग ने पैंथर को पकड़ा भी था, लेकिन उसके बाद भी हमले जारी हैं। चिंता की बात तो यह है कि अभी यही साफ नहीं हो पाया है कि यह वही पैंथर है या फिर कोई और पैंथर है। आशंका तो यह भी है कि इलाके में कई पैंथर हैं जो घूम घूम कर लोगों पर हमले कर रहे हैं। पैंथर के खौफ को देखते हुए फिलहाल शूट एट साइट के ऑर्डर भी दिए गए हैं। अब इन ऑर्डर के बाद इसका असर क्या होता है, क्या वाकई में जो लोगों में डर का माहौल है उसको खत्म करने के लिए इस ऑर्डर के बाद कुछ परिवर्तन आएगा? लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 11 के तहत यह फैसला लिया गया, और इस आदेश में कहा गया है कि आदमखोर को मारने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित कर ली जाए। आदमखोर पैंथर ने अब तक 7 लोगों की जान वो ले चुका है, जिससे इलाके में दहशत बन चुकी है। पैंथर ने आज सुबह अपना एक और शिकार को निशाना बनाया। उदयपुर के राठौड़ों का गुड़ा गांव में लैपर्ड ने एक वृद्ध महिला को मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब लैपर्ड को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर लैपर्ड को पकड़ने की योजना भी बनाई है। जानकारी के मुताबिक हमले में मृतक वृद्धा के शव को अभी उठाया नहीं गया है, ताकि लैपर्ड मृतक महिला के शव को लेने के लिए दोबारा से वहां पर पहुंचे और उसे पकड़ा जा सके। प्रशासन की योजना के मुताबिक एक तरफ ग्रामीण, वन विभाग और पुलिस घेरा देकर लैपर्ड को भगाएंगे, तो वहीं आर्मी की टीम पैंथर को पकड़ने का प्रयास करेगी। वन विभाग और आर्मी के बीच मीटिंग होने के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। कई जगहों पर अभी तक बाड़ेबंदी की जा चुकी है, कई जगहों पर पिंजरा लगाया जा चुका है, और लगातार ड्रोन के जरिए भी निगरानी इस दौरान की जा रही है। तो ये लगातार जिस तरीके के हमले हुए हैं उसके बीच लोगों में डर का माहौल फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है। और इसी को लेकर के NDTV राजस्थान से जब वन मंत्री ने खास बातचीत की, तो उसमें उन्होंने कहा है कि शूट एट साइट का आदेश दे दिया गया है, जरूरत पड़ी तो ये सख्त कदम भी उठाया जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, इसमें 3 शर्तें भी दी गई हैं। इसमें कोशिश ये की जाएगी वन विभाग की तरफ से कि सबसे पहले उस आदमखोर को पकड़ा जा सके, और अगर वो पकड़ में नहीं आता है तो उसके बाद शूट एट साइट का निर्देश भी दे दिया गया है। जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और चलिए आपको ये जरा रिपोर्ट के जो ग्राफिक्स है उसके जरिए जरा कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि शूट एट साइट के आदेश क्या है। दरअसल इस नियम के तहत ये आदेश दिया जाता है कि अगर कहीं पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो उसके जो कई कारण हैं बता करके शूट एट साइट का आदेश दिया जा सकता है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये आदेश दिया गया है। कानून की धारा 11 में कुछ मामलों में ऐसे प्रावधान भी दिए जाते हैं, कोई प्राणी इंसानों के लिए खतरनाक हो जाए तो ये आदेश संभव भी है। कंट्रोल करने के जो सारे उपाय हैं अगर वो फेल साबित हो जाए तो भी इस तरीके के ऑर्डर दिए जाते हैं। कारण बता करके शूट एट साइट का आदेश दिया जा सकता है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये आदेश दिया जा सकता है। कानून की धारा 11 में कुछ ऐसे मामलों में प्रावधान किया गया है, और कुछ ऐसी ही परिस्थितियां इस वक्त उदयपुर के अंदर दिखाई दे रही हैं। गोगुंदा में लगातार जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर के फिलहाल जो आदमखोर है उसको पकड़ने के लिए, लोगों में डर खत्म करने के लिए, लोगों की जान को सुरक्षित रखने के लिए फिलहाल ये आदेश दिए गए हैं। और चलिए अब जरा इस सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि शूट एट साइट का आदेश आखिर क्यों दिया गया। इसके पीछे की वजह आपने जान ली है, लेकिन क्या इससे आदमखोर का आतंक खत्म हो पाएगा, या अभी उस आदमखोर के आतंक को रोकने के लिए ये निर्णय बड़ा जरूरी था, जरा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पर्यावरण विशेषज्ञ अनिल सूद जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व PCCF राजस्थान से UM साय साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आदित्य जैन जी कार्यक्रम में हैं, और भरतपुर से राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व निदेशक सुनैन शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले मैं UM साय सर आपसे ही इस पर जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों बन रही है और क्यों बनी है, इसके पीछे की आपको वजह क्या नजर आती है, और दूसरा ये जो आदेश दिया गया शूट एट साइट का, आपको ये क्या आदेश के पीछे आपको लग रहा है कि लोगों को बचाने के लिए ये जो आदेश है ये कारगर साबित हो सकता है? देखिए, शूट एट साइट जो है ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कोशिश यही की जाए कि
बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट हो तभी किसी को शूट किया जाए, किसी एनिमल को शूट किया जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पैंथर को शूट कर दिया और वो आदमखोर नहीं निकला, एक एनिमल की डेथ भी हो गई और वो आदमखोर आगे आने वाले समय में जैसा हुआ भी अभी तक भाई, चार पैंथर तो पकड़े जा चुके हैं, उनको ट्रैप कर लिया गया, लेकिन कहा जाए ये जा रहा है कि अभी तक वो आदमखोर अभी भी पकड़ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब तक एक्चुअल क्या, या तो फिर इसकी जो जिस तरह से टाइगर की स्ट्राइप्स अलग अलग होती है, पैंथर के रोजेट्स होते हैं ना, उनके फूल होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, तो उनकी एक वो बनाई जाए लेटलेस टाइप की फोटो लेके, और जब पकड़ में आते हैं तो उसके पूरा डिटेल किसी में उसमें रखा जाए, और ताकि पता चल सके कि जो एनिमल हम पकड़ रहे हैं कि वो वही है कि दूसरा कोई एनिमल है, तो इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये पहले सोच विचार करके उसके बाद ही इसको आखिरी विकल्प के तौर पर लेना चाहिए। हालांकि और ग्रामीणों को भी समझाइश की जानी चाहिए कि वो अकेले नहीं जाएं, जिस एरिया में पैंथर का मूवमेंट हो रहा है, कम से कम 2-4-5 लोग साथ जाएं, और हर एक एनिमल जो होता है आग से डरता है, आग से डर के भागता है, तो कोशिश करें जिस एरिया में पैंथर का मूवमेंट हो रहा है उस एरिया में सुबह शाम जिस टाइम पे हो रहा है उस टाइम पे नहीं जाएं, और अपने साथ कोई मशाल या ऐसी कोई चीज लेके चलें जिससे कि वो एनिमल पास ना आ सके। ठीक है, ये मैं आपसे वापस से जानूंगा सर कि अगर हमें अगर कोई जा रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस वक्त हम जब अपने घर से बाहर निकलें या उस रास्ते से होकर के जा रहे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा खतरा नज़र आता है, तो वहाँ पर किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ये भी ज़रा जानने की ज़रूरत है। और मैं अकेले नहीं जाएं, अकेले नहीं जाना चाहिए। सुनैन शर्मा जी को भी मैं इसमें ज़रा जोड़ रहा हूँ। सर एक चीज़ बताइए कि शूटेड साइट का ये ऑर्डर ये आखिरी विकल्प के तौर पर भी है, ये वन मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि हम लोगों की जान बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम ये नहीं चाहते कि आदमखोर या फिर जो पैंथर है उसको हम किसी भी तरीके से मारें, लेकिन अगर लोगों की जान जा रही है, 11 दिन के अंदर 8 लोगों को निशाना बना चुका है अगर पैंथर वो आदमखोर, तो इसको लेकर के सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, तो आखिरी विकल्प के तौर पर है, लेकिन इसके अलावा कुछ और आपको नजर आ रहा है इसमें? नहीं, एक्चुअल में ये जो अब जो सिचुएशन गई है, 7 एनिमल 7 लोगों को घायल कर दिया, मार दिया इसने, गोगुंदा के में झाड़ल वाला एक केस अलग है, जो 8 बताते हैं वो एक डिफरेंट केस है ऑल टुगेदर, लेकिन 7 का इतने छोटे से स्पान में ना, और मैं ये समझता हूँ कि 99% ये एक ही एनिमल है जो इस तरह की वारदात का, लेपर्ड का भी ड्यूरेक्शन काफी बड़ा होता है, बहुत लंबे बड़े एरिया में ऑपरेट करता है वो, और जहां तक सवाल है इसको मारने का, सद में जो पैटर्न ये है कि देखो शाम को झुकपुटे में रात को उस समय में ये हमले कर रहा है, दूसरा पैटर्न ये इसमें दिखाई दे रहा है कि वो फीबल है, कमजोर लोग हैं, बच्चे हैं और आपको जरूर हुआ है उनको ही हमला के कर रहा है। तो जैसा साय साहब ने कहा ठीक है, एक प्रिकॉशन यही हो, बाहर जा रहे हैं आप टॉर्च वगैरह उस तरह से लेके, शाल वगैरह लेके जाए, कुछ साथ में लोग हो और एक दो आना बेहतर होगा, इस तरह से थोड़ा अवॉइड करें। सेकेंडली जहां तक सवाल है उसका, शूट एट साइट पे ऑर्डर नहीं है, क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप लेकिन ये जरूरी चीज है, जैसा कि इसमें आदेश मंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? साय साहब फरमाया कि रोजेट्स के बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि रोजेट्स के पैटर्न पे हो सकता है, लेकिन यस उसका डीएनए फिंगरप्रिंट मैचिंग से जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वही एक विश्वसनीय तरीका है, इतने दिन हो गए हैं तो ये काम तो नेचुरली डीएनए प्रोफाइल बनाया होगा। ये अभी तक संभव क्यों नहीं हो पा रहा सर ये आइडेंटिफाई करना? सुनैन शर्मा सर एक चीज़ बताइए कि भाई अभी तक 4 पैंथर्स को पकड़ा जा चुका है, आप पैंथर पकड़ में भी आ जाता है, ट्रैप हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि दूसरा पैंथर है जो कि अब दूसरी जगहों पर वो मूवमेंट दिखा रहा है और लोगों को निशाना बना रहा है। कहा जा रहा है कि जो नरभक्षी जो आदमखोर है पैंथर, वो कोई और पैंथर है जो कि अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है, जो पकड़ा नहीं जा चुका है, ये क्या वजह है
और इस तरीके की मूवमेंट, और वो अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा है। बाकी पैंथर तो पकड़ में आ रहे हैं लेकिन वो अभी तक फरार है, तो ये भी एक अंशुल जी गुत्थी है कि क्या। हाँ ये तो बात साबित हो गई कि वो जो पकड़े गए थे वो गलत पकड़े गए थे। मैं तो बहुत शुरू से कह रहा हूं कि जब तक आप इसका डीएनए फिंगरप्रिंट मैचिंग नहीं करेंगे तब तक के तौर पर आप नहीं बता सकते हैं। इस तरह से एनिमल को देख के कौन बता देगा, और रोजेट्स के बेसिस पे कर लेंगे आइडेंटिफाई, मैं नहीं समझ पाता कि कर पाएंगे। कब तो उसकी फोटोज लेंगे, किस मौके पे लेंगे, किस अंधेरे में लेंगे, ये मुझे बहुत नहीं जस्ता नहीं है। लेकिन यस, अगर उसका मल मूत्र से, स्वाब से अगर आप सैंपल कलेक्ट करते हैं तो डीएनए उसका एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये दोनों केस एक ही के हैं एनिमल के, अलग अलग एनिमल के केसेस हैं। तो और वो बहुत जरूरी है, जैसे इस आदेश में भी कहा है पहले आइडेंटिफाई कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, पहले जैसे आपने पकड़े थे अगर आपने वो मानी मारे ही होते तो क्या हो जाता उससे, फिर आपका ये आखिरी हथियार भी बेकार हो जाता, लोग विश्वास करना बंद कर देते आपका। तो इसलिए ये तो बहुत जरूरी है कि, और अब ये हाई टाइम है, मैं पहले भी कहता रहा हूं अपने को, ये तो ठीक है इस समय तो जितना कर सकते हैं, लिमिटेशन है आपकी, आप दो दिन में कोई लैब नहीं खड़ी कर देंगे वहां, लेकिन ये समस्या एक जगह की है, ये अनेक जगह होगी। जिस तरीके से पॉपुलेशन आउटबर्स्ट हो रहा है, लोग एग्रीकल्चर के लिए जमीनें तोड़ रहे हैं, इसके बारे में बहुत गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है, और जो घटनाएं आज हो रही हैं वो आगे बढ़ सकती है। परमानेंट स्ट्रेटेजी आपको बनानी ही पड़ेगी, बिल्कुल उसके बिना विकल्प नहीं है। और ये उदयपुर के अभी कुछ गांव के अभी टारगेट नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी हिस्से भी इससे अछूते नहीं होंगे, हमें इस बात को भी समझना होगा। मैं इसमें आदित्य जी आपके पास आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं अनिल सर को जरा जोड़ लेता हूँ। अनिल सर, एक चीज और साफ हो रही है कि भाई अगर शूटेड साइट इसी तरीके से अगर हमले हो रहे थे, या वही तेंदुआ अगर हमले कर रहा था, तो चार अभी तक तेंदुए पकड़े गए। अगर ये शूटेड साइट का ऑर्डर पहले आ चुका होता तो ये तो बेजुबान बिना बात किए उनकी मौत हो जाती, या फिर उनका बिना बात किए उनको मतलब इस तरीके से वो चले जाते, तो ये बड़ा नुकसान हो सकता था। ये हमें बहुत बारीकी से, बहुत बैलेंस तरीके से, और जैसा कि शुरुआत में कहा भी साय सर ने भी कि हमें ये आखिरी विकल्प के तौर पर रखना चाहिए। साइट ऑर्डर जब आदमखोर हो गया तेंदुआ या पैंथर आदमखोर हो गया तो शूट एंड साइट का ऑर्डर कर दिया। जब इंसान जंगल खोर हो जाए तो अब आप क्या करोगे? उदयपुर की जो संरचना है, उदयपुर चारों तरफ से गांव से घिरा हुआ है, अरावली के से घिरा हुआ है। अब उदयपुर के जैसे गांव है, बद्दी हो गया, बेड़ला हो गया, बड़गांव हो गया, शिकरवाड़ी हो गया और प्रताप नगर हो गया, ये सारे छोटे छोटे गांव बड़े होते जा रहे हैं, और ये सारे इन गांव के पैच जो है अरावली से भी जुड़ते जा रहे हैं। जब शहर जंगलों की तरफ घुसना शुरू कर देंगे, जब जंगल खत्म होने शुरू हो जाएंगे और जब इनका प्रे बेस खत्म होना शुरू हो जाएगा तो ये किधर जाएंगे? तो शुरुआत तो इंसानों ने करी है ना इनको आदमखोर बनाने की। हमने क्यों नहीं प्लानिंग करी कि हम फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट रखें, जबकि फॉरेस्ट एरिया में ऑलरेडी लॉज है कि आप फॉरेस्ट एरिया में एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो हमारा जो अर्बन एक्सप्लोजन हो गया उदयपुर का, वो जरूरत से ज्यादा हो गया, और जिससे कि इनका प्रे बेस खत्म हो गया। जब प्रे बेस खत्म होगा तो ये स्प्रे करेंगे। सबसे पहला जो है, कौन जिम्मेवार है इनको आदमखोर बनाने के लिए? किसने अलाउ किया जंगलों को खत्म करने के लिए? तो ये तो कहानी वही होगी, पुलिस वाले जो हैं वो किसी दूसरे को पकड़ लेंगे, असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा, वो बाहर भागता फिरेगा। तो इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी सी मेरे को नजर आती है। अच्छा, उस पैंथर को पकड़ने में चूक कहाँ हो रही है, आपकी समझ से क्या नजर आ रहा है सर? ऐसे है कि जब तक पैंथर भी एक बहुत शातिर और बहुत समझदार जानवर है, और नॉर्मली ये हमला नहीं करता, ये अपने आप में मस्त रहने वाला एनिमल है, जब तक इसको या तो छेड़ा ना जाए या इसको जो है प्रे बेस नहीं मिल रहा होगा। तो बेसिक रीजन ये जो पकड़े गए हैं वो तो प्रे बेस के ऊपर सरवाइव कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर जो पैंथर है इसको प्रे बेस नहीं मिला होगा, इसलिए स्प्रे कर गया। और जो एनिमल इस तरह स्प्रे करता है वो चलाक भी होता है और वो छुपता भी।
तो इतनी आसानी से वो पकड़ा नहीं जाएगा। जैसे आपने देखा लखीमपुर खेरी में वो भेड़िए नहीं पकड़े गए, बाकी सब पकड़े गए, वो नहीं पकड़ा गया जो सबको खा रहा था। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी सोच समझ पे भी सवाल उठता है, हमारी स्ट्रेटजी पे भी सवाल उठता है। तो अब उसको पकड़ने के लिए हमें करना क्या चाहिए सर? सर इसमें जो है आइडेंटिफिकेशन, जैसे शर्मा जी बता रहे थे कि उसके डीएनए टेस्ट, अब डीएनए टेस्ट तो तब होगा जब आपके पास सबका डीएनए होगा। आपके पास डीएनए तो है नहीं सबका, और ना ही आपने ऐसा कोई सिस्टम बनाया, आपने सिर्फ कैमरा इंस्टॉल कर रखे हैं ताकि उनकी मूवमेंट को आप कैप्चर कर सको, और उनके जो है पग मार्क से, अभी तक तो आप पग मार्क से ही आइडेंटिफाई करते हैं, बारिश की वजह से वो भी जो है धुल जाते हैं, उसका पता नहीं चल रहा है, वो भी धुल जाते हैं। तो इसलिए हमें अपना सिस्टम जो है आर्काइव सिस्टम से बाहर निकल के हमें कुछ साइंटिफिक तरीके से सोचना होगा। जैसे शर्मा जी ने बोला मल हो गया, मूत्र हो गया, बाकी उसका, तो ये सारी चीजें हमें डेवलप करनी पड़ेगी, हमारे पास आज ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं इसमें ज़रा आदित्य सर एक जल्दी से एक रिएक्शन इस पर मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ कि ये जो शूटेड साइट का आदेश दिया गया, इसके तहत क्या कानूनी पहलू क्या है? क्या ये पूरी तरीके से अधिकार मिल जाता है कि किसी भी जानवर को या किसी भी परिस्थिति में इस तरीके से जो है उसको मार दिया जाए? क्योंकि जैसा इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया ऑन द स्पॉट उसको ख़त्म कर दिया जाए या शूट कर दिया जाए, इसके आदेश हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, उसमें साफ तो आपने बोला गया है कि कोई भी अगर जानवर जीवों के लिए, इंसानों के लिए घातक साबित होता है या कोई डिजीज है, कोई बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उसे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वहाँ के वो मार सकते हैं। अब ये ऐसा मामला है जहाँ पे इतने इंसानों कहते एक ही पैंथर के द्वारा, तो एक ही उसकी हत्या हो चुकी है उसके द्वारा, तो इस कारणवश ये जरूरी हो गया कि धारा 11 में जो शक्तियां प्रदान की गई हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, उसका उपयोग करते हुए ऐसे निर्देश पारित किए जाए जो पारित किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में जब इस संविधान, इस प्रकरण की, इस धारा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला था कि जानवरों का को जीने का अधिकार है, 1960 का जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल्स एक्ट वो है, पर इंसानों को जीने का अधिकार जो धारा 21, जो आर्टिकल 21 संविधान में दिया गया है वो सर्वोपरि है। साथ ही साथ हमें एनिमल राइट्स और ह्यूमन राइट्स दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। पर जैसे कि सूद साहब ने बोला कि क्योंकि इंसान ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो मूलतः जानवरों की रहने की जगह है, जहाँ फॉरेस्ट में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, होटल रिजॉर्ट खुल रहे हैं, उस वजह से अब जानवर कहाँ जाएंगे? वो सड़कों पे आएंगे या वो उस जगह आएंगे जहाँ इंसान रहते हैं? तो जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसानों ने अपना अपनी जो लालच की सीमा अच्छा, है। एक चीज और बताइए कि हम वन्य क्षेत्र के अंदर भाई हर किसी चीज के लिए रिजर्व है ना, कई जगहों पर आप जैसे ग्रीन कॉरिडोर टाइप है उसमें आप नहीं जाएंगे, ये पहले से तय होता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर आप अगर घर बना रहे हैं, वहाँ पर रिहाइश कर लिया, तो उसको हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं, क्या कोई कानून नहीं है? जी सख्त कानून है, उसको पहली बात तो परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए, आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। आज्ञा मिल जाती है अथॉरिटीज के द्वारा फॉरेस्ट लैंड पे, फॉरेस्ट लैंड के बाद वो लैंड को कमर्शियल लैंड में कन्वर्जन करने की आज्ञा मिल जाती है उनको अथॉरिटीज के द्वारा। और ये कैसे होता है ये सब हमें पता है, इस पर मैं बारीकियों में नहीं जाऊंगा, पर क्योंकि ये आज्ञा आराम से उनको मिल जाती है और इस ये लोगों की नजर में ऐसे मुद्दे नहीं आते, इसलिए वहां पे होटल रिजॉर्ट एस्टेब्लिश हो जाते हैं। मैं कम से कम आपको 100 होटल रिजॉर्टों की लिस्ट प्रदान कर सकता हूँ जो वन क्षेत्र में चल रहे हैं। अब जानवर कहाँ जाएंगे, उनको भी तो जीने की जगह चाहिए, उनकी जो हैबिटेट है जहाँ वो मूलतः रह रहे हैं वहां अगर हम लोग रहने लग जाएंगे और उनको खाली एक एंटरटेनमेंट के जरिए से देखेंगे, उनको खाली एक फोटो खींचेंगे उनको परेशान करेंगे, तो क्या कहाँ जाएंगे जानवर? ठीक है, ये बड़ा पहलू है, इसको जरा समझना होगा। मैं इसमें जरा वापस से साहिर सर आपके पास आ रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा बताइए आप जो आप इसका मतलब ये है कि जहाँ पर अभी बसावट हो चुकी है
वहाँ पर वो बसावट नहीं होनी चाहिए थी, पहली बात तो ये है। लेकिन अब बड़ी संख्या में हो चुकी है तो शायद उनको एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करना ये भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये किसी भी सरकार के लिए अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन अब इसका विकल्प क्या होना चाहिए, हमें वहाँ पर लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, तारबंदी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? बंदी को इसका वो विकल्प तो नहीं है, मैंने बताया कि लोगों की समझाइश ही इसका विकल्प है कि लोग इस तरह से अपने को बिहेव करें कि ग्रुप में जाएं और उस एरिया में मूवमेंट कम से कम करें जहां पे पैंथर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और जहां तक अभी ये डीएनए की बात मैं एक और करना चाहूंगा, डीएनए में सुनैन ने बात कही, वास्तव में साइंटिफिक मेथड है किसी भी एनिमल को पहचानने के। और सू साहब ने कहा लेकिन डेनमल ये मैच किससे करेंगे, हमारे पास सबके डीएनए तो है नहीं, ठीक है। तो डीएनए के लिए शुरुआत की जाए तो धीरे धीरे जो जो एनिमल हम पकड़ते हैं उसका डीएनए की मैपिंग की जाए और एक एक एटलस टाइप का बनाया जाए, फिर कभी पकड़ में बाद में आएगा तो उससे मैच किया जाएगा कि ये वो एनिमल है कि वो दूसरा एनिमल है। तो इस तरीके से तो डीएनए का अगर हम कोई अपना एक डाटाबेस तैयार करेंगे, कोई बेंचमार्क तैयार करेंगे तो उससे आने वाले समय में तो हमको मिल पाएगा, ठीक है। फिर जहां तक आपने कहा कि जो बस्तियां हैं, तो बस्तियां तो बस गई, बस्तियां को आपने कहा हटाना बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये कि अब आगे ना बढ़ेगा, इससे आगे तो फर्दर एंक्रोचमेंट नहीं हो जंगल में, जिससे कि आदमी बढ़ते 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 और जंगल के बीच तक। और लोगों को खुद ये समझना होगा कि भाई आप अगर जा रहे हैं तो ये आप तस्वीरें देखिए ना कि आप अगर खतरनाक जोन में रह रहे हैं या जंगल के आसपास अगर आप रह रहे हैं तो आपकी जान के लिए मुश्किल है, आपके बच्चों के लिए मुश्किल है, बिल्कुल। और वन विभाग को समय समय पर अवेयरनेस कैंप लगाने पड़ेंगे, लोगों को समझाइश करनी पड़ेगी, अपने गार्ड और फॉरेस्टर जाके उनको बैठाएं और बोलें कि ये आप करिए, ये न करिए, डूज एंड डोंट की पर्चियां बना के देनी पड़ेगी ग्रामीणों को, उनकी सरल भाषा लोकल लैंग्वेज, ठीक है। मैं इसमें जरा सुनैन सर को जोड़ रहा हूँ। सुनैन सर एक चीज और बताइए कि हम तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी नई तकनीक आ चुकी हैं, कई जगहों पर हमने देखा भी है कि कॉलर आईडी लगाई जाती है जिससे उनकी लोकेशन और उनको ट्रेस किया जा सकता है। तो हम इस जोन के अंदर जब हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसे हमले होते ही हैं तो क्यों ना हम कॉलर आईडी लगाने के लिए कुछ प्रक्रिया शुरू करें? कॉलर आईडी, मैं एक बात करूं, कॉलर आईडी इतना सक्सेसफुल होता नहीं है। कॉलर आईडी से एनिमल को एनिमल भी डैमेज होता है, अच्छा। वो बार बार अपने पंजे से ऐसे खुरचता रहता है, फिर वो उसमें खून आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो कॉलर आईडी तो पहले शुरू किया गया था, टाइगर केस में भी वो भी बंद कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। सुनील सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो मेरी इसमें स्पष्ट राय है कि कॉलर आईडी में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इमरजेंसी के लिए आप कर रहे हैं, हाँ। सबको आपको करना नहीं है, जो जो जिस एरिया में क्राइसिस क्रिएट हो गई वहां आपको करना अच्छा है, हाँ। और शायद साहब ने ठीक फरमाया था कि जब तक अगर आपके पास में डीएनए का एटलस बना हुआ नहीं है तो आप कैसे मैच करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है 19 तारीख से चल रहा है, आज 10 से 11 दिन हो गए, हाँ। तो क्या इतने दिन में पहले दिन का स्वाब मिला के आप नहीं कर पाए? 2-3 दिन का काम है जिसमें कि आप इसको मिलान कर सकते हैं, हाँ। अगर कहीं भी कोई ऐसे इंसिडेंस होते हैं इमीडिएटली वहां से कलेक्ट करना चाहिए, सैंपल लेना चाहिए, हाँ। और जिन एरियाज में प्रॉब्लम है जहां अपन बात कर रहे हैं कि रेडियो कॉलर पहनाने चाहिए, उन एरियाज में जो भी एनिमल्स हैं इस तरह के उनको ससेप्टेबल एरियाज में, हमला प्रोन एरियाज में, वहां पे जरूर रेडियो कॉलर का भी इस्तेमाल करना चाहिए और इनको ट्रंकलाइज करके रेडियो कॉलर भी पहनाइए, साथ में आप सैंपल कलेक्शन डीएनए का कीजिए ताकि आप बाद में मिलान कर सके। जरूरी नहीं है कि आप ये रेडियो कॉलर लंबे समय तक आप इस्तेमाल करेंगे जहां जरूरत नहीं। एक चीज और मैं क्लियर करूंगा, आपको बड़ा एक स्पेसिफिक प्रश्न था कि ये बार बार उसको छोड़ देते हैं और दूसरे को पकड़ भी लेते हैं, हाँ। उसका कारण ये है कि ये जो एनिमल है, सारे एनिमल तो एक से नहीं होते, हाँ। एनिमल बेसिक जो उसका नेचर है वो इंसान से दूर ही रहता है, बचता है, ठीक है। तो ये बाकी के एनिमल ऐसे नहीं है, एक एनिमल है जिसने कि किसी को मार लिया, अब वो उसको आप तो कहते हैं मुंह खून लग गया या जो भी हो, ये समझ लिए इजी स्प्रे है, ये एक बार समझ में आ गया तो वो ही कर रहा है इसको, इसीलिए मैं काफी अंडरस्टैंडिंग के साथ पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर सर क्या क्या ऐसा कभी होता भी है कि कोई ऐसा जानवर जो एक बारी इंसान का शिकार कर लेता है तो वापस से वो उसी को टारगेट करने की कोशिश करता है, ऐसा होता है क्या? देखिए ऐसा है कि वो ये लोग प्रश्न करते हैं कि शायद उसको वो खून भून लग गया, इस किस्म की बात तो नहीं होती है, लेकिन ये समझ में आ गया कि ये 2 टांगों पे चलने वाला प्राणी सबसे कमजोर सॉफ्ट टारगेट है। एक जैसे पैटर्न मैंने आपको जिक्र किया था, पैटर्न देखिए, बच्चे को
औरतों को, बूढ़े लोगों को, कोई भी इसमें ऐसा जवान मर्द जो है वो नहीं पकड़ा इसे, तो वो भी देखता है कि भाई कौन सा अपने को हाथ आ जाएगा। वाइल्ड लाइफ में भी, वाइल्ड एंड विल्डरनेस में भी यही होता है, जो स्टाउट तगड़ा दिखता है उसको हाथ नहीं मारते हैं, जो बीमार बीमार सा लंगड़ाता हुआ दिखता है, टाइगर भी वही काम करता है, लेपर्ड भी वही काम करता है, तो एक उसे पैटर्न भी है उसमें, वो जब देख लेता है कि ये अच्छे से काबू में आ जाता है उसको ही वो करेगा बार बार, और जरूरी नहीं है दूसरे एनिमल, इसीलिए दूसरे एनिमल जो पकड़े गए हैं मुझे नहीं लगता कि वो एनिमल वो थे, और ये जो पकड़ में नहीं आया वही एनिमल है, और इसीलिए वो पकड़े गए क्योंकि वो तो आ नहीं रहे उनके पास में, तो वो ट्रैप हो गए क्योंकि वो जानवर के ऊपर चले गए। इसको लग रहा है कि ये आबादी में इसके एरिए में से मैं ले सकता हूँ इसलिए आ रहा है। अच्छा, ये है प्रमुख कारण इसका। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जो है सबसे पहले हमें समझाइश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझाने की लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई आपके, आप जिस इलाके के अंदर रह रहे हैं वो जो है असल में जंगल का इलाका है, वहाँ पर जो जंगली जानवर हैं वो वहाँ पर रहते हैं, अगर आप वहाँ जा करके घुसपैठ करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बहरहाल अब क्योंकि बस्तियाँ बन चुकी हैं तो उनको हटाना उतना ज़्यादा आसान नहीं है, तो लोगों के लिए समझाइश करना कि आपको जब आप घर से बाहर निकलें तो कभी भी अकेले ना निकलें, अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा लाठी डंडा या कुछ आग वाली चीज़ जो है अपने साथ ज़रूर लेकर के चलें, ताकि जो जानवर है वो आपसे डर करके रहे और आपके ऊपर हमला ना करे, ताकि आप अपना बचाव कर सकें। लेकिन इसमें शूटेड साइट का जो ऑर्डर दिया गया, हालांकि वन मंत्री की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि ये आखिरी विकल्प है और इसको आखिरी विकल्प के तौर पर ही लेना चाहिए, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये आदमखोर का आतंक जो है वो खत्म हो पाएगा। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।